नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीआई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, और बात उनकी करेंगे भाई जो लोग वीआई में इलीगल तरीके से रहते हैं, चाहे वर्क परमिट में हो, रेजिडेंशियल वीजा पे हो, या आपकी इमिग्रेट्स आईडी एक्सपायर हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आपको पता भाई वीआई में एक कानून बना हुआ है। सीधा सीधा बता दूं कि आप मान लीजिए इलीगल तरीके से वीआई में रहते हैं, ठीक है, और वीआई में रहते हुए आपके पास वीजा, वैलिड वीजा नहीं है, वर्क परमिट वीजा नहीं है, आपकी आईडी एक्सपायर हो चुकी है। उसमें जैसे आपको टाइम 1 साल 2 साल 3 साल 4 कितना भी टाइम हो चुका है, आपका फाइन बढ़ के 2,000 5,000 10,000 दराम हो चुका है, 20,000 दराम हो चुका है। उस दौरान कोई कंपनी ये बोल देती है चलो आप मेरे पास काम कर लो, आपको मैं जॉब दे दूंगा। लेकिन आपको पता है वीआई में इस पे सख्ताई है कि भाई अगर कोई कानूनी उल्लंघनकर्ता को कोई कंपनी अगर जॉब पे रखती है और सिस्टम में इस बात का पता लग जाता है पुलिस में, डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट में, तो उसके खिलाफ 50,000 दुबई दराम का जुर्माना कंपनी को देना होता है। तो इस चक्कर में कंपनियां हाथ जोड़ती हैं कि भाई तू रह दे, तेरी जगह दूसरा आन दे, क्योंकि एक तो उसको जॉब देंगे, सैलरी तो उसको भी देनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर पता लग गया तो कंपनी के ऊपर 50,000 का फाइन लगेगा। इससे बढ़िया है कि कोई अच्छे जो वैलिड वीजा वाले को लेंगे ना, वो तनख्वाह तो उसको लगेगी लेकिन कम से कम कंपनी तो सेफ रहेगी, इसलिए कंपनी को भय होता है और वो आप लोगों को जॉब नहीं देती है। जी हाँ, लेकिन भाई अभी जो एक कमेटी बनी उसमें एक बात कही गई है, अभी नवंबर में ये इसका नियम गवर्नमेंट ने अस्थायी तौर से लागू किया है कि भाई अगर कंपनी कोई इलीगल वर्कर को या उल्लंघनकर्ता को अपने पास में रख के जॉब दे रही है तो उसके ऊपर हम 50,000 दुबई दराम का फाइन नहीं लगाएंगे। लेकिन शर्त आपकी ये रहेगी कि उसका अगर आप वीजा कन्वर्ट कर देते हैं, रियल स्थिति में उसको ला देते हैं, कहने का मतलब है कि आप इलीगल हैं 2-4-5 साल से, ठीक है, और उसमें आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, कंपनी बदले में आपका वीजा लगवा दे, आपका इलीगल है लेकिन वीजा लगवा दे, तो कंपनी के ऊपर फाइन नहीं आएगा 50,000 का, वो उसको वीजा लगवा सकती है, ऐसा वीआई सरकार ने इस सिस्टम में घोषणा की है। जी हाँ भाई, वही है, दोनों को फायदा होगा ना, एक तो जो वर्कर है वहां पे इलीगल तरीके से रह रहा है उसका वीजा नहीं लग पा रहा है, उसका वीजा लग जाएगा, उसको टाइम से जॉब मिल जाएगा, बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट सरकार को उससे ज्यादा है, क्योंकि वो इलीगल है तो कंपनियां उसको जॉब नहीं देगी, वो बंदा फिर इंडिया आने की सोचेगा, अपने देश पाकिस्तान जाने की सोचेगा। अगर कंपनी वीजा लगा देती है तो 5,000 दराम सीधे सीधे वीआई के सरकार के अकाउंट में आ जाएंगे, तो ये सरकार को भी ज्यादा बेनिफिट है ना। तो सरकार हर दिमाग एक्स्ट्रा लगाती है कि मान लीजिए 1,000 लोगों को भी वीआई में कंपनियां जॉब दे देती हैं तो कितना बेनिफिट होता है, सोचने की बात है। तो इस तरह से होता है, लोगों को भी फायदा होता है, कंपनियों को भी कई बार वर्कर नहीं मिलते हैं तो वो भी सोचते हैं यार चलो हमें जुर्माना नहीं लगेगा, इनका वीजा लगा देते हैं, तो इस तरह से वीजा लग जाता है। तो मतलब साम दाम दंड भेद सबको ही थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाता है, मेन फायदा अगर वर्कर का कंपनी वीजा लगा दे तो और चाहिए क्या। तो अगर आप इस तरह से इलीगल तरीके से कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और वीजा नहीं लगाए तो भाई आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके अपना वीजा लगवा सकते हैं, ताकि आपका वीजा लग जाए और कंपनी का फाइन लगे और आपकी भी थोड़ा सेटिंग हो जाए, आपका भी जॉब वगैरह टाइम पे मिलता रहे, वीजा लग जाए तो आराम से आप अपनी टाइम है वो निकाल सकते हैं। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।